आप सब रॉ के एजेंट हो, आप सब रॉ के लिए काम कर रहे हो, और माफी मांगे कराची के लोगों से, हैदराबाद के लोगों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों ने आज ये जो चैंपियन बना फिरता है कराची का, हर इश्यूज पे बात करता है, जिसको किसी चीज का पता नहीं है, आज आपने इसकी जो एक वीडियो लीक हुई मुस्तफा कमाल की, किस तरह ये कह रहा था कि पीपल्स पार्टी वाले और नून लीग वाले, जो पूरी एक डिटेल बता रहा था कि हम अंदर गए और जिस तरह दरवाजा खुला और उन्हें देखा शायद कोई यहां बैठे। तो भाई आप लोगों की हैसियत ही यही है, आप लोगों की औकात ही यही है। कराची के लोगों ने आपको आपका आईना दिखा दिया। एक सीट नहीं जीती एमक्यूएम, मैंडेट चोरो आप लोग। आप लोगों ने कराची का बेड़ा गर्क किया, आप लोगों ने कराची का मैंडेट चोरी किया। तो लिहाजा आप लोग की हैसियत यही है और यही होगी। इसके बाद नून लीग कभी खट्टा छट्टा खुलेगा, पीपल्स पार्टी का भी खुलेगा। जिस तरह इन्होंने मैंडेट चोरी किया, ये एक दूसरे के दस्तों गरेबा होंगे अभी, क्योंकि इन्होंने कराची का मैंडेट चोरी किया, पूरे पाकिस्तान का मैंडेट चोरी किया। पूरी दुनिया ने, कराची ने आज देखा कि किस तरह ये बात कर रहे थे। हम यही बात कर रहे थे चीफ जस्टिस साहब, हम यही कर रहे हैं। आप इस पे सो मोटो एक्शन लें, इलेक्शन कमीशन साहब आप इस पे एक्शन लें। सब चीजें आपको पता है पाकिस्तान में क्या हुआ। मैंडेट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का था, मैंडेट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था। पाकिस्तान की अवाम को जिस तरह आप लोगों ने उनका मैंडेट रोंदा, इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब ये पाकिस्तान की अवाम हमारे साथ सड़कों पे होगी। हम अपना मैंडेट इंशाल्लाह वापस लेंगे, ये तो शुरुआत है। इस तरह की बातें और खुलेंगी, आप लोग खुद, अल्लाह का अजाब आपके ऊपर आएगा, खुद आप आओगे, खुद आप एक एक चीज बताओगे। अभी जिस तरह एमक्यूएम ने बताया कि हमारा मैंडेट नहीं था, 0% मैंडेट था, मैं हल्फिया कहता हूं, मैं हलफ लेके कहता हूं कि एमक्यूएम का 0 मैंडेट था। कराची के लोगों ने, हैदराबाद के लोगों ने रद्द कर दिया, इनको मुस्तरद कर दिया। दो नंबर लोग है ये मुस्तफा कमाल। ये तो पहले बात करता था कि एमक्यूएम अल्ताफ की है, एमक्यूएम किस तरह अल्ताफ की नहीं है, झंडा अल्ताफ का यूज कर रहे हो, सारी चीजें। उसके बाद डंडनाता फिरता हुआ आके उसी एमक्यूएम में शमूलियत इख्तियार की। ये खालिद मकबूल सदीकी के लिए बात करता था कि वो रॉ का एजेंट था, उसने पाकिस्तानी पासपोर्ट पड़ा। भाई आप सब रॉ के एजेंट हो, आप सब रॉ के लिए काम कर रहे हो, आप लोग उसके नहीं हुए जिसने आपको यहां पहुंचाया। गद्दार हो आप लोग, कराची के गद्दार हो, पाकिस्तान के गद्दार हो। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान की अवाम के हाथ में आपका गरेबान होगा। लिहाजा अक्ल के नाकुल ने आए और अवाम को सच बताए कि आप लोगों ने पाकिस्तान की अवाम का, कराची की अवाम का मैंडेट चोरी किया, और इंशाल्लाह हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कराची का मैंडेट वापस न ले ले। ये मैंने एक शॉर्ट मैसेज नोट किया है, इस पे ब्रीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह हमारी जमात करेगी। मजीद चीजें भी हम कराची के लोगों के आगे रखेंगे, पाकिस्तान के लोगों के आगे रखेंगे। लिहाजा कराची के लोगों ने आपको मुस्तरद किया है, जरा बराबर भी अगर आप में गैरत हो तो आप लोग आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कि, और माफी मांगे कराची के लोगों से, हैदराबाद के लोगों से, कि आप लोगों ने उनका मैंडेट चोरी किया है। पाकिस्तान जिंदाबाद।